हेलो स्टूडेंट्स, तो एलजेब्रा में हम लोग सीक्वेंस सीरीज देख रहे थे जो कि जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी तक हम लोग लेक्चर 8 तक देखे थे जहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लाइक एपी जीपी, जीपी का हम लोग इंट्रो स्टार्ट किए थे, जीपी होता क्या है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टीज थोड़ा देखेंगे जीपी के बारे में एंड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई मेंस में पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पे हम एट और एट से पास स्टूडेंट्स लाइक 11 12th स्टूडेंट्स के लिए जेई मेंस और नीट की तैयारी कराते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यह इंस्टीट्यूट हमारे आईपीएस विकास सर के नेतृत्व में और पटना के डीएसपी विनय रंजन सर के नेतृत्व में चलाया जाता है। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लेक्चर 8 को रिकॉल करते हैं। लेक्चर 8 में हम लोग क्या क्या देखे थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉलिंग लेक्चर 8, एट में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे सर, रिकॉल कर लेते हैं। तो सर हम लोग जीपी के बारे में पढ़े थे, एपी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में एम कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किए थे। और लेक्चर 8 में हम क्या देखे थे कि जीपी क्या होता है। तो जीपी में हम लोग ए फर्स्ट टर्म होता है, ए आर सेकेंड टर्म होता है, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म होता है एंड सो ऑन। लास्ट टर्म टीएन टर्म बताए थे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जो कि क्या था हमारा टीएन टर्म था। जब बात हो जीपी की, तो जब बात हो जीपी की, तो टीएन टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म, एनथ टर्म। हाँ या ना, इतना याद हो, एनथ टर्म याद है। एनथ टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। ठीक है सर, यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। तो जीपी में आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और एपी में क्या बोलते थे, डी को कॉमन डिफरेंस। यहां पे क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ए को क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। इतना तक डिस्कस कर चुके थे। तो सर जीपी को कैसे हम लोग जज करेंगे कि ये सीक्वेंस जो दिया रहेगा वो जीपी में है। तो सीक्वेंस का प्रीवियस जो नेक्स्ट टर्म होता है, यानी जो सेकेंड टर्म और उससे जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो लेते हैं। लाइक यहां पे हम क्या करेंगे, ए आर और फर्स्ट टर्म ए है, इसका रेशियो लेंगे तो आर के इक्वल आएगा। ठीक है सर, फिर थर्ड टर्म को प्रीवियस टर्म से रेशियो लेंगे, यानी ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। और इसी ये आर जो है ये कॉन्स्टेंट है जो सबके लिए, जितने भी रेशियो निकालेंगे सबके लिए इक्वल आएगा, इसी कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इतना तक देखे थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, या इन बोलिए इन जीपी क्या होता है। इसके लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि एस एन क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। एक ये फॉर्मूला था जिसको हम बोले थे कि एफ वन फॉर्मूला वन। अब ये डिपेंड करता है आर के वैल्यू पे, अगर मॉड आर लेस देन वन हो, अगर मॉड आर लेस देन वन हो, यानी आर का वैल्यू माइनस वन से वन हो, तब क्या, किस फॉर्मूला को लेते थे हम, माइनस वन से वन के बीच, तो ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड वन माइनस आर। अब बात करते हैं कि सर आर जब बिलोंग्स करता है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, तब क्या फॉर्मूला लेते हैं, एफ टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये एस एन था। हाँ या ना सर। इसके बाद एक और चीज पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे सर, इसके बाद और देखे थे कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है।
उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि असंख, यानी जो भी हमारा सीरीज जा रहा है, जो भी हमारा सीरीज बनते जा रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, लाइक 2 + 4 + 8 ये जो है जीपी में है, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। यानी जब भी बोले कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालना हो, तब हम देखेंगे कि सीरीज जो जीपी में दिया है वो इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो उसमें हम क्या अप्लाई करते थे कि एस इनफिनिटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 - r। और एक बात याद रखते हैं, इसमें एक बात हम लोग याद रखते हैं कि जब भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का बात करें तो एक कंडीशन दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मॉड आर हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। ये कंडीशन होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये कंडीशन होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का कि मॉड आर लेस देन 1। और फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई 1 - r, जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशियो है। बात क्लियर है? यहां तक का डाउट? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहां पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो प्रॉपर्टी जीपी के बारे में बेसिक आइडिया ले लिए थे कि जीपी जब सीरीज जीपी में रहता है तो एसएन क्या होता है और एस इनफिनिटी क्या होता है। तो अब यहां पे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी होता है जीपी में भी, कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम लोग एपी में कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसमें क्या था कि जब एबीसी एपी में हो तो 2 times of b = a + c लिखते थे, और किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म को से हम लोग एबीसी को मल्टीप्लाई करते थे, वो भी जो हमारा रिजल्ट बन के तैयार होता था क्या। यहां पे हम लोग क्या रिकॉल करते हैं, एक बार जब ए बी सी एपी में है तो हम पढ़े थे कि सर 2b = a + c, एक ये प्रॉपर्टी होता है पहला। फिर पढ़े थे कॉन्स्टेंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट सी, तो ये भी जो हमारा बन के सीरीज होगा तैयार, जो भी ये भी सेक्वेंस होगा ये भी क्या होगा एपी में होगा। अब इसी तरह हम अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, यहां पर बोला है इफ इच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है। इसको एक एक करके समझेंगे प्रॉपर्टी को मैनुअली। सेकंड में क्या बोलता है, एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी कैन बी टेकन एज ए बाई आर ए और ए आर। जैसे कि हम एपी में बताए थे कि जब भी 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म का लेने का बात करते हैं तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी एज्यूम करते हैं, और फोर्थ टर्म के लिए क्या बताए थे ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। लेकिन यहां पे हम ये कॉमन रेशियो का बात हो रहा है और जीपी का बात हो रहा है तो हम क्या लेते हैं ए बाई आर ए और ए आर लेते हैं, और जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म का बात करें तो हम क्या लेते हैं ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर ए आर क्यूब। और जब एबीसी थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है जब एबीसी जीपी में हो तो हम बोल सकते हैं b² = ac। एक एक करके देखेंगे, इफ a1 a2 a3 an तक जीपी में है देन log a1 log a2 log a3 क्या होगा एपी में होगा। log हम पढ़ते हैं बेसिक मैथ में, पढ़ते हैं log पढ़ते हैं बेसिक मैथ में। तो आगे हम मूव करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देखेंगे। अभी हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहला क्या था कि सर एबीसी अगर जीपी में रहता है, एबीसी एक एक करके लिखेंगे कि सर एबीसी अगर जीपी में है, एबीसी अगर जीपी में बात करते हैं जीपी में है तो हम बोल सकते हैं पहला प्रॉपर्टी से b² = ac। सर कैसे, तो यहां पे देखेंगे कि हम बोल सकते हैं ना जब जीपी में तो b/a = c/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा b² = ac। हाँ या ना, यही तो मेरा पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करते हैं, जब भी किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी को, बी सी को, तो
तो ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी किसी कॉन्स्टेंट से डिवाइड करते हैं ए बाई के, बी बाई के और सी बाई के, तो हमारा जीपी जो सेक्वेंस बनता है वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। हा या ना? तीन प्रॉपर्टी यहां से हो गया, एक एक करके लिख लेंगे। तीन प्रॉपर्टी यहां से हो गया। चार, चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सर जब एबीसी जीपी में है तो ए टू द पावर के, बी टू द पावर के, सी टू द पावर के, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। बात क्लियर है? अब बात आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। पांचवा प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि ए बी सी डी ई, सपोज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई अगर जीपी में है, अगर जीपी में है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी ए और ई जो मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ई मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा बी और डी के, बी और डी के, और इक्वल होगा सी स्क्वायर के। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी है जीपी में। एपी में सेम चीज देखते थे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते थे, इक्वल टू होता था सेकेंड और सेकेंड लास्ट इक्वल होता था, और इक्वल होता था थर्ड एंड थर्ड लास्ट इक्वल। इसी तरह ये पांचों प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे, इसी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ट्राई करेंगे। आगे मूव करते हैं। टॉपिक है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यानी एस इनफिनिटी का बात कर रहा, ऑफ जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। ट्राई करेंगे, एक मिनट देते हैं, ट्राई कीजिएगा। चलिए, जीपी में जब कोई भी सीक्वेंस रहता है तो ए ए आर, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होता है ए आर क्यूब। ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स तक, ये क्या है जीपी में। बोला सम ऑफ द एन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, यानी टर्म्स जो है ए आर, ए आर स्क्वायर यानी ए बाई वन माइनस आर कितना दे रखा है 15। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45 यानी जो टर्म्स होगा उसके स्क्वायर, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर से जो सिक्वेंस तैयार हुआ होगा वो ए स्क्वायर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, ऐसे तैयार हुआ होगा सम स्क्वायर से, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। अब इसका सम कितना दे रखा है, इसका इनफाइनाइट सम कितना दे रखा है 45। तो यहां से इसके टर्म में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 45, इक्वल टू 45। चलिए, यहां से एक रिलेशन मिल रहा है, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 15 1 माइनस आर, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहां पे देख रहे हैं 15 इंटू 1 माइनस आर है, यहां पे 15 इंटू 1 ए स्क्वायर की जगह हम इसका वैल्यू लाकर पुट कर दें, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा 15 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 45। यहां से कट करेंगे एक 15 जाएगा तो 15 थी 3 2 जा 3 5 जा, कट करेंगे 15 इंटू 15, 15 से एक बार जाएगा 45 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 15 5 टाइम्स में,
तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, 5 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर कह सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 1। सर 1 माइनस आर स्क्वायर से स्क्वायर ऊपर वाला चला गया, इधर क्या आया 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 1 प्लस आर, यानी ये इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए आरएचएस में। अब देखिए सर 6 आर इक्वल टू कितना आया 4, यानी आर का वैल्यू कितना आया 2/3, 4/6 को क्या ले सकते हैं सिंपल फॉर्म में 2/3। अब हमारे पास सीरीज फॉर्म करना है, हमको सीरीज फॉर्म करना है, तो ए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, आर पता चल गया सर 2/3। अब यहां से एक ए का फॉर्मूला रिलेशन मिला है ए और आर में, 1 माइनस आर 15 1 माइनस आर, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे 2/3, तो यहां से कितना मिलेगा 3 में से 2 गया 1, यानी 15 × 1/3 यानी 5। ए का वैल्यू कितना आया सर, ए का वैल्यू 5 आया, ए का वैल्यू 5 आया सर, ए का वैल्यू 5 आया सर, आर का वैल्यू 2/3 आया, कितना आया 2/3, ठीक है सर। अब सीरीज तैयार करना है, तो पहला है 5 ar, ar कितना हो जाएगा 10/3 ar स्क्वायर 5 × 4/9 यानी 20/9, ऐसे करके हमारा सीरीज तैयार हो जाएगा। इसमें सीरीज में पहला टर्म क्या होगा 5 और दूसरा टर्म क्या होगा जीपी में 10/3, तीसरा टर्म 20/9, यही आपका सीरीज तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यानी विथ पॉजिटिव टर्म्स, एक एक टर्म है जो पॉजिटिव है, इज 3 एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है 11 जनवरी को, इसको ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेसिस एक प्रीवियस क्वेश्चन कराया है, अभी जस्ट अभी क्वेश्चन किए इसके बेस पे, सेमी कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें भी, वहां पे हम बात कर रहे थे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, यहां पे बात कर रहे हैं सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म, लेकिन दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्या सम ऑफ इनफिनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड द सम ऑफ द क्यूब्स इज 27/9, ठीक है। तो मानते ए ए आर ए आर स्क्वायर ऐसे हमारा सम दिया है, यानी सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज जब इससे जब प्रिपेयर करेंगे ए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ऐसा कुछ समेशन स्टार्ट समेशन प्रिपेयर होगा जीपी में होगा, यानी इनफिनाइट टाइम तक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि a बाई 1 माइनस आर किसके इक्वल दिया है 3 के इक्वल एक कंडीशन में। फिर सम ऑफ क्यूब का बात करते हैं, यानी a क्यूब होगा, फिर सेकेंड टर्म होगा a क्यूब r क्यूब, थर्ड टर्म होगा a क्यूब r की पावर 6, ऐसे 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 करते करते इनफिनाइट टाइम तक जाएंगे। इसमें पहला टर्म क्या होगा a क्यूब, तो a क्यूब लिखते हैं यहां पे, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा आर क्यूब, डिवाइड करके देख लेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा दिया सर 27/19, ठीक है सर। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, और सेम चीज को यहां पुट करेंगे तो 3 क्यूब इंटू 1 माइनस आर का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 27 को क्या ले सकते हैं जी 3 क्यूब डिवाइड बाई
19. 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसल, 1 माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहां पे देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पे ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है आर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे तो यहां से देखते हैं 1 माइनस आर का होल क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/19. एक 1 माइनस आर से कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या बचेगा 2. इसको रब कर देते हैं, यहां पे ये रिजल्ट आता है, लिख देते हैं कितना आया था a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर. इसको रब करते हैं, यहां पे क्या बचा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 19. ऊपर में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/19. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19 माइनस 38 आर प्लस 19 आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर. सबको एक साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना है 19 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया 18 आर स्क्वायर माइनस 38 और माइनस 39, इधर 39 आर हो जाएगा 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0. 6 से जब 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे एलएचएस और आरएचएस में, या 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 0. अब देख रहे हैं इसको फैक्टराइज करेंगे तो आर का वैल्यू यहां से आएगा, क्या रिलेशन आया था हमारा 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, और आर क्या है बोला हमको पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स बोला, तो 6 आर में से 3 आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 आर माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 आर माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, यानी आर का एक वैल्यू आ रहा है 2/3 और एक वैल्यू आ रहा है 3/2. तो कौन सा लेंगे यहां पे, कौन सा लेंगे, टू बाय थ्री और 3/2. क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड सम ऑफ द क्यूब. तो यहां पे 2 आर की वैल्यू आ सकते हैं लेकिन ऑप्शन में हमारे क्या दे रखा है 2/3, हमारा आर का वैल्यू कितना आ रहा था 3/2 एंड 2/3, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन में क्या है 3/2 नहीं दे रखा है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 2/3, आर का कितना वैल्यू आ रहा है 2/3. इस तरह जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, ज्यादा दिन नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आईआईटी जेई 2000 में क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी जेई 2000 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये करेंगे अटेम्प्ट करेंगे. कंसिडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर इफ इट्स सम इज 4 एंड द सेकेंड टर्म इज 3/4 देन. यहां पे ए का वैल्यू पूछा है और आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये करेंगे, ट्राई करेंगे. आई आई टी जेई 2000 का सवाल है,
क्या क्या दे रखा है ये देखेंगे। इनफाइनाइट ज्योमेट्री का बात कर रहा है, सपोज ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। बोला ए बाई वन माइनस आर कितना, सम कितना दे रखा है, एस इनफिनिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, फोर। पूछा क्या है सर, सेकेंड टर्म क्या दे रखा है, यानी ए आर का वैल्यू कितना दे रखा है, थ्री बाई फोर। ठीक है, और सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज की बात करते हैं तो हम एक कंडीशन जानते हैं कि मॉड आर लेस देन वन होगा, जो आर का वैल्यू होगा वो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। ये दो रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ना सर, यहां से हम लिख देंगे सर, ए इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ वन माइनस आर, और इसी ए के वैल्यू पे यहां पुट कर देंगे, दो कंडीशन दे रखा है जिसमें फोर वन माइनस आर इंटू आर इक्वल टू थ्री बाई फोर। यहां से देखेंगे, यहां ऑब्जर्व करेंगे कि 16, ये फोर जब आर एच एलएचएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आर स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 16 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, थ्री। इसको जब ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 16 आर माइनस 16 आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे इसको फैक्टराइज करके, 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस थ्री, 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितने टाइम पे फैक्टराइज करेंगे, 16 आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस 4 आर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहां पे 3 आर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, आर माइनस 4 है ना, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, आर माइनस कॉमन लेंगे माइनस वन तो कितना आएगा, एक मिनट, 48 का करते हैं तो कितना आएगा, 224 212 26 तीन छ फैक्टराइज करते हैं टी एट को, आर का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, माइनस बी 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 स्क्वायर करते हैं प्लस माइनस 4 ए सी 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 16। एक ऐसे भी कर सकते हैं, आर का वैल्यू फाइंड करेंगे और आर माइनस 1 से 1 वाला वैल्यू लेंगे जो आएगा, इसमें देखते हैं 16 आर स्क्वायर 14 3 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस 3 इक्वल टू 0, 16 आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस प्लस 4 आर प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 16 आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस 4 आर प्लस 3 इक्वल टू 0, 16 4 आर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 आर माइनस 3 माइनस कॉमन लेंगे 4 आर माइनस 3। ठीक है,
यहां पे जब इसको फैक्टराइज करते हैं 16R² - 12R - 4R + 3 = 0 लिख सकते हैं। यहां पे हम 4R कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 4R - 3, यहां -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 4R - 3, यानी R का वैल्यू कितना आया 1/4 और R का वैल्यू कितना आया 3/4। R का वैल्यू कितना है 1/4 और R का वैल्यू 3/4, ये भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे यहां पे। अब डिसाइड करना है सर ये भी तो -1 के बीच में है और ये भी -1 के बीच में, दोनों जो R का वैल्यू आया -1 से 1 के बीच में आया, ठीक है, लेकिन सर हम कौन सा आंसर लेंगे तो ऑप्शन में एक बार मूव करेंगे ए बी सी डी में देखेंगे कहीं भी R का वैल्यू ना ही 3/4 का जिक्र किया है और ना ही 3/4 का जिक्र किया है, लेकिन एक वैल्यू है R का वैल्यू कितना दिया है 1/4 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है सर। एक और रिलेशन आया था सर A = 4 × 1 - R था, A = 4 × 1 - R था, R का वैल्यू अगर 1/4 लेते हैं सर तो कितना आएगा 4 × 3/4 यानी A का वैल्यू कितना आएगा सर 3, तो यानी A का वैल्यू ऑप्शन 3 आएगा और R का वैल्यू कितना आएगा 1/4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पे हमें R का दो वैल्यू मिल रहा है, R का वैल्यू मिल रहा है 1/4 और 3/4, और मोर देन वन ऑप्शन चॉइस हो तो हम लोग दोनों का कॉमन रेशियो लेके उसके रिस्पेक्ट में हम लोग A का वैल्यू लेंगे और तब आंसर ठीक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.7, 0.77, 0.777 जेई मेंस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई मेंस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको अटेम्प्ट करते हैं सर। इसका बात कर रहा है जब 0.7 20 टर्म्स का बात कर रहा है प्लस 0.77 प्लस 0.777 ये एक जीपी में है 20 टर्म्स है, एन का वैल्यू कितना है इसका 20। जब n का वैल्यू हमें पता चल गया कि n का वैल्यू 20 है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2013 में पूछा गया है, ठीक है। इसका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि सर 7 कॉमन दिख रहा है सब में तो 7 को बाहर ले लें, सबको 7 को बाहर लेंगे, ठीक है सर। अब क्या बचा 0.1 बचा प्लस 0.11 बचा, 0.111 बचा और ऐसे करते करते 20 टाइम्स ऑफ टर्म्स होगा, 20 टर्म्स तो लास्ट टर्म क्या होगा 20 होगा, ठीक है सर। एक चीज में जुगाड़ टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं जिसको होता है जेटी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी में 9 देंगे और 9 लेंगे यानी 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल में तो क्या हो जाएगा 9 और ऊपर को भी हम 9 से इस ब्रैकेट के अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी फिर से आप लिख सकते हैं 7/9 और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 को अंदर में तो क्या हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 ये कहां तक जाएगा 20 टर्म्स तक जाएगा। एक बात नजर आ रहा है सर, एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे, हम यहां पर लिख सकते हैं सर 1 - 0.1 यहां पर लिख सकते हैं ना 10 - 0.01 यहां पर सर लिख सकते हैं 1 - 0.01 एक में से घटाएंगे ना 1 - 0.01 यहां पे 1 - 0.001 ऐसे करके 20 टाइम्स तक सर। ये तो 7/n एज इट इज जाएगा 7/9 अंदर में ये 1 1 1 ये कितने टाइम्स आएगा 20 टाइम्स आएगा तो एक बार लिख सकते हैं 20, ठीक है सर। माइनस कॉमन लेंगे तो एक जीपी में एक टर्म्स बन रहा है अंदर 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 ऐसे कितने टाइम्स तक 20 टाइम्स तक। इसका कॉमन रेशियो को बात करें सर एस जो बन रहा है हमारा 7/9 20 माइनस 0.1 यानी 1/10 0.01 यानी 1/10² प्लस 1/10³
डॉट 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 कितने टाइम्स तक? 20 टाइम्स तक, ठीक है सर। बड़ा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं आप, ठीक है, 7/9 और 20 माइनस ये जो जीपी बनाया ना, जीपी में एन 20 दिया है, तो जीपी का आर यहां से फाइंड कर सकते हैं 1/10 होगा, हाँ या ना? तो यहां पे देखेंगे 1/10 है जो आर माइनस वन और वन के बीच में है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टीएन टर्म वाला, ए 1/10 है, 1 माइनस आर कितना है 1/10 टू द पावर 20, एन का वैल्यू कितना है 20, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10, ठीक है सर। ये पूरा ब्रैकेट में था, ये बड़े ब्रैकेट में था सर। अब 7/9 सर यहां पे देख रहे हैं हम कि 10 में से 1 जाएगा 9, यानी इतना इसको लिख सकते हैं हम 9/10, 9/10 में 1/10 1/10 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 20 माइनस 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 20 आया ना, नीचे में 20 यहां पर अलग है, नीचे में क्या बचेगा 9, ठीक है सर, इतना बचा। इसको थोड़ा और साफ लिख लेते हैं यहां पे। अब जब हम यहां पे पूछ रहे हैं तो यहां पे 1 है, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7/9 180 माइनस 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 20, कोई डाउट? डिवाइड बाय 9, अब यहां आंसर मैच हो जाएगा, 9 × 9 81, ऊपर में क्या है 7, अंदर में जब उसको ओपन करेंगे तो 180 माइनस 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20, हाँ या ना? तो यहां पे देख रहे हैं सर 180 में से एक हटाएंगे 179, यानी 7/81 और 179 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20, ये जो आंसर होगा, आंसर मैच कर लेते हैं सर, 7/81 179 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20, कौन सा ऑप्शन है? 7/81 179 प्लस 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही में 10-13 का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले क्या करेंगे? पहले 9 ऊपर दे देंगे, नीचे से 9 ले लेंगे, यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे 9 से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें यहां पे 0.9 आ रहा है, तो 0.9 को क्या ले सकते हैं 1 माइनस 0.1, अब 0.99 को क्या ले सकते हैं 1 माइनस 0.01, ऐसे ही देखेंगे 1 कितने टाइम्स है 20 टाइम्स है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक में एक हमारे देख रहे हैं यहां पे जीपी बनकर तैयार हो जाएगा 20 टर्म तक। उसके बाद हम क्या किए कि 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 0.01 को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके जीपी बन गया। यहां पे हमारा कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है 1/10, फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है 1/10, फॉर्मूला जीपी का टीएन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किए और हमें यहां से रिजल्ट मिल गया जो 7/81 179 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20, ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये इसके बाद जो बात करते हैं जेई मेंस का क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन किए हैं, आईआईटी एडवांस के एक क्वेश्चन किए, ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, कल एग्जम्पशन ऑफ टर्म पढ़ेंगे जीपी में और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, कल हम लोग का जीपी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचएम में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, होमवर्क रहेगा आपका, ये अटेम्प्ट करके कल आइएगा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को अंत, सेशन का अंत करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।